मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे रूस, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश भी है। यह रेलवे ट्रैक लगभग 1,14,800 वर्ग किलोमीटर और यहाँ यानी कि भारत में कुल 7,500 रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं, जो इसे भारत की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क बनाती है। प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन भारत के 10 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से भी एक है और दिल्ली और कोलकाता के बीच में स्थित है, जो इसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी बनाता है। रोजाना करीब यहां से 4,00,000 से भी ज़्यादा यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर प्लेटफार्मों की संख्या 10 है और पटरियों की संख्या 15 है, और यहाँ से हर रोज़ तकरीबन 200 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म्स के मामले भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन एक ग्रेड रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 11 प्लेटफॉर्म है और हर दिन यहाँ से तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद स्टेशन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है, जो हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, इलाहाबाद मऊ गोरखपुर मेन लाइन और हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर स्थित है। इलाहाबाद स्टेशन को आधिकारिक तौर पर प्रयागराज जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 11 है और पटरियों की संख्या 16 है, तथा यहाँ से हर रोज तकरीबन 250 से भी ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों, कानपुर रेलवे स्टेशन देश के 5 मध्य भारतीय रेलवे स्टेशनों में से भी एक है, और यात्रियों के मामले में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। यहां से प्रतिदिन लगभग 8 से 10 लाख यात्री सफ़र करते हैं। इस स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 611 ट्रेनें चलती हैं। रेलवे सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार यह देश का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 10 है और पटरियों की संख्या 14 है। प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पूर्वी रेलवे क्षेत्र का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है, जिसकी कुल लंबाई 1,072 मीटर है। दोस्तों, खड़गपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर कुल प्लेटफार्मों की संख्या 12 है और कुल पटरियों की संख्या 24 है, और दोस्तों यहाँ से हर रोज तकरीबन 265 ट्रेनें गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद स्टेशन गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और पश्चिम रेलवे मंडल में दूसरा सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अहमदाबाद जंक्शन लिफ्ट, एस्केलेटर, गोल्फ कार्ट, VIP लाउंज और बहुत कुछ जैसी सुविधाओं की लंबी सूची के लिए गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर कुल प्लेटफार्मों की संख्या 12 है और कुल पटरियों की संख्या 16 है, और यहाँ से तकरीबन हर रोज 350 से भी ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई शहर का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई सहित भारत के उत्तरी भाग से जुड़ता है। लगभग 5,50,000 लोग प्रतिदिन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 17 है और पटरियों की संख्या 30 है। दोस्तों,
प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेनों और यात्रियों की आवाजाही के मामले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से भी एक है और इसके अलावा यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन भी है। लगभग डेली यहाँ से 400 से भी ज़्यादा ट्रेनें इसकी पटरियों से गुजरती हैं। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 18 है और पटरियों की संख्या 21 है। प्लेटफॉर्म के मामले में भारत के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या CST ऐतिहासिक स्टेशन है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। इस स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक टर्मिनस के रूप में भी कार्य करता है जो मुंबई में उपनगरीय रेलवे का एक हिस्सा भी है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 20 है और पटरियों की संख्या 23 है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है सियालदह रेलवे स्टेशन। सियालदह रेलवे स्टेशन भी भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। इसका स्टेशन कोड है SDAH है। इसके उत्तरी टर्मिनल में 13 प्लेटफॉर्म है और दक्षिणी टर्मिनल में कुल 7 प्लेटफॉर्म है। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 प्लेटफॉर्म है और 27 ट्रैक है। सियालदह रेलवे स्टेशन से एक दिन में तकरीबन 18 लाख यात्री इस स्टेशन का उपयोग करते हैं जो इसे भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से भी एक बनाता है। इस स्टेशन का परिचालन सन 1869 ईस्वी से शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन जिसे हावड़ा जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। इसका स्टेशन कोड HWH है। इसके अलावा यह भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। यहाँ से एक दिन में लगभग 600 यात्री ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं और एक दिन में 10 लाख यात्री इस जंक्शन का उपयोग करते हैं। यह स्टेशन 1852 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 23 है और जो एक दूसरे के समानांतर बनाई गई है और इसमें 26 ट्रैक मौजूद है। इस स्टेशन को एक सड़क भी प्रदान की जाती है जो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसीलिए यात्री अपने वाहनों को सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर पार्क कर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई यह इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ARK फैक्ट को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।